सकती हैं, उन सबको हमें जोड़ना है ताकि हमारी ताकत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े, क्योंकि समस्या सबके एक जैसी है। रसोईया बहने हैं, हजार रुपए मिलते हैं, हजार रुपए में क्या होता है? मैं 3-4 घंटे के लिए खाना बनाने अगर आप जा रहे हैं तो एक तरह से पूरा दिन चला गया, और उस पूरे दिन में जाके आपको हजार रुपए महीने दे रहे हैं, तो भीख भी नहीं देता कोई, भीख भी आज की तारीख में इससे ज्यादा दे देता है, क्योंकि 10 रुपए कम से कम निकाल के देता है, 10 रुपए आज की तारीख में सिक्का बन गया। तो वो बहने भी हमारे साथ आई है, उन सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत। और अभी मैं सुनना था उसमें से किसी को जिले में संयुक्त सचिव का पद दिया गया है, बहुत मेरी तरफ से बधाई उन सारी बहनों को, और आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहनों, 21 तारीख को आखिरी दिन था हमारा, लगातार 2 महीने से जो हड़ताल हमारी चल रही थी, धरना था, उसके बाद में फिर हम कुछ समय के लिए स्थगन रहा हमारा आंदोलन 8 तारीख तक, और 8 के बाद से हम काली पट्टी बांध के कर रहे हैं, और आज फिर सड़क पे हम मैदान में हैं। उम्मीद तो ये थी कि इतने पूरे जो समय दिया गया है, और अनुपमा जायसवाल जो मंत्री हैं, बनारस में एक मीटिंग में उनका स्टेटमेंट भी आया था, मैंने सभी को व्हाट्सएप पे भेजा भी था, अखबार की कटिंग भेजी थी 3 अखबारों की, कि सरकार शायद सोचेगी, सरकार करेगी काम, वो वादा जो उसने पूरा करना था और जिस वादे को उसने अपने संकल्प पत्र में कहा था उसे हम पूरा करेगी, ऐसा लग रहा था, ऐसा नजर आ रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से इतना समय बीत गया, उस बयान को देने के बाद भी शायद 26-27 तारीख में वो बयान आया था, उसके बाद इतना समय बीत गया, फिर भी अभी तक सरकार ने कुछ भी हमारे हक में किया नहीं है। समझ नहीं आता कि सरकार क्या सोच के बैठी है, क्या चाहती है, किस लड़ाई के उस इंतजार में है वो, या हमारी तरफ से किस विद्रोह के इंतजार में है वो, अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेहतर तो यही है कि सरकार समझ जाए, समझ जाए 2019 का आरक्षण उसके सर पे है, दिन प्रतिदिन उसकी शाख गिरती चली जा रही है, दिन प्रतिदिन उसका ग्राफ गिरता चला जा रहा है, और अगर यही हालत रही तो 2019 का आरक्षण वो संभाल नहीं पाएंगे, निश्चित रूप से मुंह की खाएंगे वो लोग। तो समझना चाहिए, बार बार ये नारा दे रहे हैं, बार बार महिलाओं की सुरक्षा, उनके रोजगार, उनकी तरक्की के लिए बार बार सरकार स्टेटमेंट तो देती है, मोदी जी भी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, ऐसे योगी जी भी करते हैं, लेकिन कोई भी सही मायने में काम करने को तैयार नहीं है। क्यों ऐसा सब कुछ कर रही है सरकार, अभी समझ के बाहर है। लेकिन मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि सरकार कितने भी अन्याय करे, कितने भी अत्याचार करे, आदरणीय गुरु जी का जैसा आदेश रहेगा हम उसी तरह से अपनी लड़ाई लगातार जारी रखेंगे, और हमारी लड़ाई उस दिन तक जारी रहेगी जब तक हमें हमारा हक मिल नहीं जाता। और हक हमारा आप सब जानती हैं, जो मांग रहे हैं हम कोई भी नाजायज कोई चीज नहीं मांग रहे, अगर 15,000 हम मांग रहे हैं तो बिल्कुल जायज चीज मांग रहे हैं, वो हमें चाहिए, उसे हम लेके रहेंगे, हर सूरत में लेके रहेंगे, और सरकार जैसे भी उसकी नींद तोड़ेगी टूटेगी हम उसकी नींद तोड़ के रहेंगे, उसे जगा के रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। हौसले की बहुत जरूरत है, इन दिनों में मैंने देखा है कई जगह से बहनों की शिकायत आई, बहुत काम करना पड़ा और सरकारी अधिकारी कर्मचारी बहुत ज्यादा बदतमीजी पर उतरे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं बहनों, यहां तो हर अच्छे व्यक्ति को, हर ईमानदार व्यक्ति को, हर व्यक्ति जो अपने अधिकारों की मांग करता है उसके साथ में यही हाल होता है, कोई नई बात नहीं है। तो जो भी अधिकारी कर रहे हैं, जो कर्मचारी कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए, परेशान होने की उससे जरूरत नहीं है, घबराने की उससे जरूरत नहीं है, अपना हौसला टूटने देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार अगर हौसला टूटा और हम इस लड़ाई से बाहर गए, ये कोई भी अलग हुआ तो लड़ाई हमारी कमजोर पड़ जाएगी, और लड़ाई हमारी कमजोर नहीं होनी बल्कि मजबूत करनी है हमें, जैसे कि आज रसोईया बहनें हमारे साथ में आई हैं, इसी तरह से हमें लड़ाई अपनी मजबूत करनी है, क्योंकि उनकी भी मांग जायज है और हमारी भी मांग जायज है। मैं तो इसके आगे कहता हूं कि जो शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्रों की भी लड़ाई बड़ी जायज है, अगर वो भी हमारे साथ आते हैं,
कंधे से कंधा मिलाकर वो भी हमारे साथ चलते हैं, हमारे लड़ाई में साथ चलते हैं, हमें उनको भी स्वागत करना चाहिए क्योंकि इससे हम भी मजबूत होंगे और वो भी मजबूत होंगे, क्योंकि शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में 2.25 लाख हैं, उनकी भी संख्या बहुत भारी है। तो हमें हर स्तर पर अपनी ताकत मजबूत करनी है और पूरी मेहनत से पूरी ईमानदारी से लगातार अपनी लड़ाई लड़नी है, हौसला कम नहीं होने देना। मैंने आपको कहा था, तब भी कहा था, आज भी 3-4 दिन पहले बहन जी से बात हुई, बहन जी ने कहा कि 17 तारीख 18 में इनका मुझे मालूम है आप आएंगे, मैं इनकी बिल्कुल जाऊंगा, आपका आदेश होगा बिल्कुल आऊंगा मैं, और आज मैं आपके बीच में हूं। तो मैं जो तब कह के गया था आज फिर कह रहा हूं, ये लड़ाई में ये आपका भाई, इसकी पूरी पार्टी, हम सब पूरी मजबूती से आपके साथ में है। मैंने कुछ चीजें आदरणीय गुरु जी को बताई, अपनी और बहनों से भी बताई कि जिस तरह से हमारा धारणा चल रहा है सरकार पर समीपना, तो सरकार कैसे झुकेगी, ये तरीका मैंने बताया है। लेकिन आदरणीय गुरु जी का जब आदेश होगा तभी हम उस रास्ते पर चलेंगे। मैंने मीटिंग की थी मेरठ में, मैंने उसमें भी कहा था, आपके बीच में भी कह रहा हूं बहनों, हमारे संगठन उत्तर प्रदेश में करीब 12-13 बन गए हैं, सब अलग अलग लड़े हैं, हमारी लड़ाई उससे कमजोर होती है, उससे मजबूत नहीं होती। हम अगर आपके बीच में आए हैं, हमारे आने से आपकी ताकत बढ़ती है, आपका संगठन मजबूत होता है, आप में विश्वास जगता है, लड़ने का मौका होता है, तब तो हमारे आने का कोई मतलब है, अन्यथा हमारे आने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने कहा था, बहुत खुल के कहा था कि इस संगठन के अध्यक्ष आदरणीय गुरु जी है और गुरु जी जैसा कहेंगे वैसे ही हम सब चलेंगे और लड़ेंगे। इस संगठन को तोड़ना, इसको कमजोर करना, ये हमारा मकसद नहीं और किसी का भी मकसद होना नहीं चाहिए। कोई भी हमारा साथी हो जो अगर टूट के भाग रहा हो उसे समझाओ भाई, अलग जाके बैठ लोगे, अलग कुलमा बना लोगे तो उससे मिल क्या जाएगा, उससे तो कमजोर हो जाएंगे। हमें अपनी ताकत बढ़ानी है, मजबूती बनानी है, क्योंकि मजबूती से ही ये सरकार हिलेगी। अगर कहीं कुछ हो रहा है तो जो लोग बाहर बैठे हैं संगठन में या जो लोग अलग संगठन बना के बैठे हैं उनकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। और हमारा कहना यह है, मेरा कहना आप सबका, कि जो भी बाहर बैठे सबको समझाओ, भैया इकट्ठे आओ, एक साथ आओ, लड़ाई सबकी है। 15,000 चाहिए, हमें भी चाहिए तो उन्हें भी तो मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है किसी एक को मिले, इसलिए हम सबको मिलकर लड़ना है और इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ना है। बहुत अच्छी तरह से मुझे पूरा विश्वास था कि आज यहाँ इतने दिन बाद भी होगी तो आपकी ताकत बहुत होगी और वही ताकत आज की आपकी दिख रही है मुझे। तो आपके जोश में कोई कमी नहीं है, आपके नाम में कोई कमी नहीं है, मैं दिल से आपको इस बात का धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ आपको, आप बधाई देता हूँ बहन जी को, सावित्री जी को, उनकी पूरी टीम को, सभी बहनों को। बहनों इसी तरह से मजबूती से हमें लड़ना है, डटे रहना है, जब तक थक नहीं मिलेगा लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे।